मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सबसे पहले धर्मशाला महाविद्यालय के सभागार में एमबीए ब्लॉक व साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के दौर के बाद ऐसा पहला कार्यक्रम है जब नई पीढ़ी के साथ मुलाकात हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला कॉलेज का कैंपस एचपीयू के बाद सबसे बड़ा कैंपस है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा प्रतियोगिता का जमाना है, आज बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन फोकस होकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य को लेकर अच्छी रणनीति के साथ सभी को काम करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई कामयाब नहीं है, ऑफलाइन में फोकस बनता है। अभी तक कॉलेज का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो निर्धारित था वो कार्यक्रम हुआ है, बाकी कार्यक्रम में भी होने, लेकिन मुझे खुशी है कि दो भवनों के लिए यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया कॉलेज कैंपस में, और उसमें लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा का जो है उसमें 6 करोड़ के करीब, कितना है उसमें 6 करोड़ के लगभग दोनों बिल्डिंग के लिए लगभग 6 करोड़ के करीब के पैसा, दो बिल्डिंग 7 करोड़ बचे हुए सर। उसमें लोगों का आयोजन भी हो रहा है, किस तरह देखिए इस तरह के मेलों के आयोजन से क्या लाभ हो रहा है, हिमाचल की महिलाओं को जो है मिलने वाला है सरस मेला। देखिए सरस मेला एक बहुत बड़ा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपना प्रोडक्ट बना करके तैयार करते हैं उनको मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने में एक भूमिका निभाता है। उनको एक्सपोजर भी मिलता है, उनको प्रमोशन भी मिलता है, और उसके साथ साथ मार्केटिंग भी साथ में होती है। उस दृष्टि से यहाँ पर सरस मेले का जो आयोजन किया गया है उसके माध्यम से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जितने भी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना करके तैयार किए हैं महिलाओं ने उनको बहुत लाभ होता है। 2022 की किस तरह की तैयारी सर? 2022 जो है 22 के लिए तैयार हैं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे गांव की रहने वाली महिलाएं भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना करके तैयार कर सकती हैं जो किसी भी तरह से आज के इसमें चाहे ये टेक्नोलॉजी का युग बोले हम, चाहे हम बहुत ज़्यादा आगे की सारी प्रगति का युग बोलें, उसमें भी देखने में भी बेहतर है, और देखने के साथ साथ में उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का अगर हम जिक्र करें तो उसमें भी बहुत बेहतरीन है। नए नए इनिशिएटिव मतलब जो हम कल्पना में नहीं कर सकते थे वो इस प्रकार से आगे बढ़ करके किए हैं महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, और जिसमें ख़ासतौर से मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो हमने चलाई है उसके कारण सभी कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा लाभ उनको हुआ है, और अधिकांश जो है जितने भी इस तरह के जो प्रोडक्ट्स जो बना करके तैयार किए हैं कुछ एक ग्रुप्स ने कुछ एक लोगों ने जिनने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उसमें लोन लिया है, उस लोन के अंतर्गत एक सेट एक जो है उनका एक परसेंटेज जो है उनको राहत के रूप में मिलती है, सब्सिडी मिलती है उसमें, और अब की बार ख़ासतौर से हमने और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये तय किया कि महिलाएं अगर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में लोन लेना चाहेंगी तो उनको 35% जो है सब्सिडी उस पर मिलेगी, और बहुत उत्साह के साथ महिलाएं उसमें लोन ले रही हैं, अपना काम कर रही हैं, अपने आप के लिए भी आय का साधन जुटा रही हैं, और उसके साथ और लोगों को भी रोज़गार देने की परिस्थिति वहां पर निर्मित कर रही है, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात सर, है। जिस तरह से पहाड़ों पर गर्मी बढ़ रही है क्या आपको लगता है आने वाले समय में समस्याएं आ सकती हैं? नहीं देखिए मुझे नहीं लगता क्योंकि इस बार हमारा सर्दी का मौसम जो है विंटर सीजन जो है काफ़ी लंबा स्पैन हुआ है, स्नोफॉल भी अच्छी हुई है, बारिश भी अच्छी हुई है, और उस कारण से मुझे लगता नहीं, ठीक है गर्मी का मौसम है, गर्मी होगी ही निश्चित रूप से होगी, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं है और उसके लिए हमारी प्रेपरेशन भी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कुछ बेट में रिलैक्सेशन देने का कोई विचार नहीं? अभी तो हमने जो दिया है उस पर वही है। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से हाईकोर्ट ने अब एक नोटिस जारी किया है कि जितने भी MLA हैं मिनिस्टर्स हैं उनकी इनकम टैक्स का जो खर्चा है वो सरकार व्यय करे या ना करे, इस पर आपकी क्या राय है? विचार करेंगे इस पर। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पे की रिपोर्ट।